Good morning, dear students. Today we will start the new chapter. This is lesson 6 and the title is The Wind and the Sun. Here is a story of fight between the wind and the sun. Now we will start the story. The story is Wind, Sun, can you see that man walking down the road? तो हवा जो है सूर्य से कहती है कि क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो जो रोड पे चला आ रहा है. I can get his coat off more quickly than you can. तो हवा जो है सूर्य को कहती है कि मैं उसका कोट तुमसे ज़्यादा जल्दी से पहले ही उतरवा सकता हूँ. तो sun is smiling. तो सूरज जो है वो हंसते हुए कहता है We will see who is stronger. तो हम लोग देखेंगे कि हम दोनों में कौन stronger है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है. ठीक है, I will let you try first. तो सूर्य जो है हवा से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा, मैं पहले तुम्हें कोशिश करने दूंगा. ठीक है, तो हवा फिर क्या करती है, हवा विंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. तो हवा जो है अपना मुंह फुलाकर एकदम जोर से पहने लगती है, हु करके, हु. दिस इज द साउंड ऑफ द विंड. ओके, द मैन, अब मैन क्या कहता है, हाउ स्ट्रांग द विंड इज टूडे. तो आदमी सोचता है कि आज कितनी तेज हवा बह रही है. इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को मतलब कि जैकेट को उड़ाकर ले जा रही है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. तो वो क्या करता है कि मुझे अपने कोट को टाइटली अपने पकड़ लेना चाहिए ताकि मेरा कोट उड़े नहीं. ठीक है, तो फिर आगे फिर विंड क्या करता है, विंड ब्लोइंग हार्डर, विंड अपनी हवा को अपनी गति को और तेज कर देता है और जोर से बहने लगता है. तो हु हु करके हवा बहती है. तो हवा जो बहती है तो वो दिस इज द साउंड ऑफ द विंड. ओके, तो फिर आदमी क्या करता है, मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. तो मैन क्या करता है, जो अपना कोट को और टाइटली जो है और कसकर अपनी ओर खींच कर पकड़ लेता है. ठीक है, हाउ कोल्ड इट इज, वो कहता है कि आज कितना ठंड है. तो विंड क्या करती है फिर, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. तो विंड जो है अब वो थक जाती है बहते बहते. तो वो सूरज को कहती है कि अब मैं थक गई हूँ, मैं अब और जोर से नहीं बह सकती. तो सूरज जो क्या कहता है, नाउ इट्स माई टर्न. अब सूरज बोलता है अच्छा अब मेरी बारी है, लेट मी ट्राई, अब मुझे ट्राई करने दो, मतलब कि अब मुझे कोशिश करने दो. ही साइंस हार्ड. फिर सूरज क्या करता है, वो एकदम जोर से चमकना तेज अपनी धूप को तेज कर देता है, जोर से चमकने लगता है, तेजी से चमकता है. मैन कह फिर आदमी कहता है व्हाट ए फनी डे, इट वाज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट. वो कहता है कितना मज़ेदार दिन है, इससे पहले कितनी ठंडी थी और अब कितनी गर्मी है. ठीक है, तो अब सूरज क्या करता है, सन शाइनिंग हार्डर, सन अपनी तेज धूप को और बढ़ा लेता है. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, वो कहता है कि मैं इस आदमी को बहुत ही गर्मी लगाऊंगा, इससे बहुत ही हॉटर हॉट फील कराऊंगा, मतलब कि गर्मी महसूस करवाऊंगा. मैन वाइपिंग हिज फेस, फिर आदमी क्या करता है, वो अपने सर को पोंछता है पसीना को इस तरह से रुमाल से, एज यू सी इन द पिक्चर. आदमी अपने चेहरे को पोंछता है. I must take off my coat. फिर वो कहता है कि अब मुझे अपनी कोट उतार देनी चाहिए क्योंकि अब बहुत गर्मी लग रही है, मतलब कोट उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको बहुत गर्मी लगने लगती है. फिर सन जो है वो विंड से कहता है कि I have won, मैं जीत गया. I have made him take off his coat. वो कहता है कि मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया, उसको अपना कोट उतरवाने पे मजबूर कर दिया. ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी ये एशोप फेबल्स स्टोरी से ली गई थी, जहाँ पे फेबल्स इस तरह की स्टोरी को कहते हैं जिसमें कि सूर्य चांद सितारे को भी लाइव कर देते हैं, उनमें भी वो भी बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ से ये ली गई थी. ठीक है, अब हम इसके न्यू वर्ड्स पे आते हैं. तो पहला वर्ड है रोड, रोड का मतलब होता है सड़क. सेकेंड है कोट, कोट का मतलब जैकेट या फिर कोट ही कहते हैं हम उसको. क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से, झटपट. स्ट्रॉन्गर का मतलब ताकतवर, मजबूत. चिक्स का मतलब गाल, और वॉन का मतलब जीत गया या फिर जीता हुआ. ठीक है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव रेड द स्टोरी द विंड एंड द सन, एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द न्यू वर्ड्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टोरी. टिल देन आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगाइएगा और घर पे अच्छे से पढ़ाई करिएगा. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.